अस्सलाम वालेकुम, ससरेकाल, नमस्ते। मैं रियाज भाटी। अल्लाह का करूँ एहसान है कि एजाज भाई आज फिल्म पर रिलीज़ हो गए हैं, और एजाज भाई को नहीं, हम सबको अपने कानून पर पूरा भरोसा है, अपने संविधान पर पूरा भरोसा है, पुलिस फोर्स पर पूरा भरोसा है, और अपने हर स्टेट के जो हमारे सीएम हैं सब पर भरोसा है। मैं अभी ये वीडियो नहीं बनाने वाले थे अल्लाह के बंदे, पर मैंने अभी एजाज भाई ऊपर गए घर पर, मैंने एजाज भाई को कहा कि वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है कि अब नीचे हम बिल्डिंग से ऊपर जा रहे थे तो ये भाई से मुलाकात हो गई। ये भाई अपने बारे में पहले आप बताइए। भाई मैं औरंगाबाद से हूँ, मेरा नाम अतीफ है, मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा बच्चा 6 दिन का छोटा बच्चा है मेरा, मुझे डॉक्टर ने कोटिलाबेन हॉस्पिटल में उसका हार्ट सर्जरी के लिए सजेस्ट किया था, जिसके लिए मैं बहुत ही परेशान था। अभी लॉकडाउन होने की वजह से मैं पैसे नहीं भर पा रहा था, जिसके लिए मुझे एजाज भाई से थोड़ा सा मदद की ज़रूरत थी मुझे, और जो अभी हो चुकी है उन्होंने मुझे बहुत बड़ी मदद कर। ये भाई आए और एजाज भाई जस्ट बेल से घर पर आए, जैसे ही ऊपर जा रहे थे ये भाई उनको मिले, अपने बात बताई तो इन्होंने कहा कि अभी ही कैश जाओ, कार्ड से निकालो। हमने कार्ड से कैश निकाला, कोई चेक देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनकी इमरजेंसी ज़रूरत है। और मैं इनको, एजाज भाई ने इनको 25,000 रुपये अपनी तरफ से, अल्लाह के बंदे की तरफ से मदद की है। और मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे कई लोगों को बेइंतहा मदद कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हो कि एजाज भाई जैसे बाहर आए उन्होंने एक ही बात कही कि मेरे अल्लाह के बंदे का काम तो नहीं रुका है ना, ये उनको फिक्र थी अंदर। अब आप खुद सोचो, हम लोगों को, हम मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने देखा है कि ज़्यादातर नॉन मुस्लिम लोग एजाज भाई को मदद के लिए बोल रहे हैं, उनकी दुआ कर रहे थे। मुसलमान तो करेंगे, मुसलमान तो यार हमारा भाई है एजाज भाई। और मैं सबसे दुआ करने के लिए कहता हूँ कि प्लीज़ एजाज भाई जैसा आदमी अपने को लाइफ में नहीं मिलेगा, कोशिश करो अल्लाह से उनके लिए दुआ करो। और इंशाल्लाह भी एजाज भाई क्वारंटाइन में है, और अल्लाह के बंदे की तरफ से आप सबको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि रमजान में हम मुसलमानों पर बहुत तोहमत लगती है, ये बार हमको साबित करना है, अपने सीएम की मदद करनी है, अपने पीएम की मदद करनी है, जो वो बोल रहे हैं उनकी बात सुननी है, जो गवर्नमेंट बोलेगी वो बात सुननी है, तो घर से नहीं निकलना है, कोई घर से नहीं निकलेगा रमज़ान में। घर में रोज़े अल्लाह की बरकत है, माशाल्लाह अल्लाह ताला इतनी बरकतों से हमको, तरावी पढ़ो, घर में रहो। अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।